अगला टारगेट पार्लियामेंट में होगा, कान खोल के दिल्ली सुन ले। जब भी अरे वो ट्रैक्टर को रोकता था कोई, दिल्ली बाजार से ट्रैक्टर कौन रोकता था? अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुलगी, वहां पूरा एमएसपी पे भाव बिकागा। अरे फिर कर देंगे कोई ट्रैक्टर, कोई किराए के आएंगे? वे ट्रैक्टर भी वही हैं, रात भी वही हैं। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अब की बार पार्लियामेंट पे नई मंडी खुलगी, वहाँ पूरा एमएसपी पे भाव बिकागा। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे होगा, कान खोल के दिल्ली सुन ले। जब भी अरे वो ट्रैक्टर को रोकता था कोई, दिल्ली बाजार से ट्रैक्टर कौन रोकता था? जाएंगे दिल्ली में ट्रैक्टर, फिर जाएंगे। अरे जिस दिन तय करेगी कमेटी, संयुक्त मोर्चा जिस दिन तय करेगा, वे 3.5 लाख ट्रैक्टर भी वही है और 25 लाख आदमी भी वही है। अगला टारगेट पार्लियामेंट पे फसल बेचने का होगा। पार्लियामेंट पे मंडी खुलगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं बेच लो, तो मतलब पार्लियामेंट की सबसे बढ़िया मंडी लगी। व्यापारी अंदर बैठा और किसान बाहर है, खरीद होगी पक्की। नंदीगांव जा रहा है। क्या बोलेंगे वहाँ? ये कहेंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही और इस सरकार ने लूट लिया किसान को, ये कहेंगे। और अब तो पता है शायद ममता बनर्जी के ऊपर, नंदीगांव के ऊपर हमला हो गया। गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। भाजपा का इस साल बंगाल टारगेट है भाजपा का। और इनका किसानों का भी टारगेट है। हाँ, किसानों का भी टारगेट है। तो आप लोग क्या पूरा बंगाल में घूमेंगे? हाँ, क्या बता, कहाँ कहाँ जाएंगे, घूम लेंगे सब जगह। बंगाल क्या, कोई अलग जगह है? यहाँ क्या पासपोर्ट लगे? ठीक है। और अपील करेंगे कैसा वोट मत देना बीजेपी को, इसने पूरा देश लूट लिया।